दिस इज क्रेजी यार, देख रहे हो स्नोफॉल हो रही है और मुझे ग्लासेस पहन के भी नहीं दिख रहा और वाइजर बंद करके तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। माचा कांट सी एनीथिंग, मेरे को दिख नहीं रहा। तो सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम टू द चैनल एंड दिस इज एपिसोड नंबर पता नहीं बट दिस इज एपिसोड नंबर समथिंग ऑफ आर विंटर स्पीति राइड। मेरी सांस पता क्यों फूल रही है, क्योंकि मैं 5 फ्लोर ऊपर टेरेस पे आया हूँ। और पता है क्यों आया हूँ, एक चीज़ आपको दिखाने के लिए। मेरे पीछे देखना, यह ढंग से दिखाता हूँ, ये देखो, ये टेरेस पे चढ़ने के बाद ये है। नीचे ज़्यादा दिखा नहीं सकता आपको, मुझे खुद डर लग रहा है। तो ये है हमारे रूम के जस्ट बाहर का व्यू। और अभी मैं आपको बताऊँ तो अभी मैं काल्पा में हूँ। आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो यार वो जाके देखो, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और यहाँ की स्पेशलिटी मैं आपको बता दूँ, ये किन्नार कैलाश पर्वत है वो सबसे ऊपर। एक मिनट दिखाता हूँ, यहाँ ये जो आपको टॉप पर दिख रहा है ये है किन्नर कैलाश। और इस चीज़ की स्पेशलिटी ये है कि वो शिवलिंग है। यस, वहाँ पर शिवलिंग है। वो एक्चुअली अपने रंग बदलते हैं और कभी वो सफ़ेद रंग का होता है, कभी वो नीले रंग का होता है और कभी वो प्योर ब्लैक कलर का भी हो जाता है। ऐसा मैंने काफ़ी लोगों के मुँह से भी सुना था और अभी होटल वालों ने भी मुझे यही बताया कि ऐसा होता है। और जब मौसम बिल्कुल साफ होता है तो ये तब होता है। तो ये बहुत फेमस जगह है किन्नर कैलाश, और बहुत किस्मत वाले होते हैं तो ऐसा कुछ तीनों चीज़ें, मतलब सफ़ेद भी देखने को मिल जाए, काला भी देखने को मिल जाए और नीला भी देखने को मिल जाए। सो ये स्पेशलिटी है। और कहते हैं वहाँ शिव जी का वास भी होता है। सो कल्पा के काफ़ी ऊपर चढ़ के कल हम आए थे, नीचे से आए थे। और कल रात को तो बहुत ठंड थी, इस वजह से हमारा रूम जस्ट इसके नीचे ही था और इतनी ठंड थी रात को तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। एनीवेज, अब फटाफट बाइक पे सामान लोड करते हैं, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद हम मिलेंगे बाइक पे। और आज का प्लान ये है कि आज हम जा रहे हैं नाको। चलो सो गाइज, दिस इज द सुसाइड पॉइंट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सो दिस इज़ द सुसाइड पॉइंट। और जो भी बोलो, जैसे भी मैं अगर फ़ोन से दिखा दूँ वो मज़ा तो आएगा नहीं, आपको पता दूसरा हथियार है, उससे दिखा देता हूँ आपको। तो एक बार वो देखो। सो गाइस, मी एंड कार्तिक वर जस्ट स्टैंडिंग ओवर हेयर एंड वी मेट अमन। अमन, अभी आप इसके बारे में कुछ बता रहे थे, तो आप यहीं पर रहते हो या क्या सीन है? हाँ, वो मेरा गांव है। वो आपका गांव, उस गांव का नाम क्या है? रोगी गांव। तो ये क्या चीज़ है और इसका नाम सुसाइड पॉइंट क्यों पड़ा है? सुसाइड पॉइंट तो बेसिकली आई गेस ये टूरिस्टों के लिए पड़ गया था, एज अ किसी टूरिस्ट गाइड ने लाया था। अच्छा, अदरवाइज बट किसने सुसाइड नहीं किया यहाँ पे आज तक। अच्छा, बट रिसेंटली किसी ने कर दिया है, किसी पास के गांव के लोग, बच्चे ने। ओहो, तो ये उसके आत्मा तो ये शांति के लिए लगाया। ये कब किया सुसाइड? आई थिंक एक वीक पहले अभी, बस मतलब इसी एक हफ्ते पहले ही हुआ है। हाँ, इसी हफ्ते। और उससे पहले कभी सुसाइड नहीं हुआ था, बस उसका ऐसे जनरली नाम दिया हुआ था, जनरली नाम टूरिस्टों के लिए। तो ये किसी बच्चे ने किया, बड़े ने किया? आई थिंक वो थोड़ा बड़ा रहेगा, 20 या 20 अबव। ओहो, और ये इसी के लिए ही ये वाला फ्लैग लगाया उन्होंने? फ्लैग लगाया, बुद्धिस्ट फ्लैग। तो मतलब ये पीस के लिए लगाया? पीस के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए। ओह, ये सब जगह आप जगह देखेंगे ना, बहुत जगह। हाँ, तो जहाँ जहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ रहता है तो वो लगाती है। अच्छा, हाँ ठीक है। कई जगह पे देखा है मंदिर पे बना देते हैं, जैसे कहीं क्लिफ हैंगर्स बने होते हैं उसके नीचे, मैंने कई जगह पे देखा है कि मंदिर बना दिए उनके नीचे। और बहुत जगह जो ब्रिजेस आते हैं रास्ते में देखा होगा, सब पे ये फ्लैग लगा रहता है। अच्छा अच्छा, ये बुद्धिस्ट फ्लैग होता है, मतलब बेसिकली कि कुछ ऐसा उल्टा ना हो जाए टाइप, उल्टा ना हो जाए, और हो गया है तो उसकी जो भी हुआ उसके शांति के लिए। ठीक। तो देख लो गाइस, थैंक यू मन यार ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये था सुसाइड पॉइंट। और अब बस बाइक्स अपनी दोनों ये खड़ी
और अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट और जाते हैं नाको। उससे पहले वो व्यू तो आपने देख ही लिया है पूरा, ये व्यू आपने पूरा देख लिया है, रोड्स आपने देख ली हैं, एकदम नैरो रोड्स आती हैं और क्लिफ कहीं कहीं जगह पे ऐसे बने हुए हैं। हाँ चलो, एक यहाँ का ड्रीम जो था, जो बहुत फोटोज देख ली थी लोगों की, वो भी आज पूरा हो गया। हाँ जी नाको, यहाँ से जाओ जनाब, मैं नीचे ले रहा, ठीक है, नीचे कुंवारी आएगा, नीचे जहाँ पे आप बिल्कुल उतर जाओगे रोड से, ठीक है, ठीक है, हाँ वहाँ से आपने लेफ्ट ले लिया, ठीक है, बस उसी रोड से आप सीधा चले जाओ। तो गाइस, अभी तो हम थे पू के रास्ते में और प्लान ये है कि आज हम नाको जाने वाले हैं और काजा यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। अगर हवा बहुत तेज़ आ रही होगी तो एक्सक्यूज़ मी, आपको मैं दिखाता हूँ क्या हुआ। वो देख रहे हो पीछे, वहाँ पर हो गया है लैंडस्लाइड, और दिखाता हूँ आपको। और ये जो पूरा माउंटेन है ना, ये पूरा माउंटेन वाला स्टोन जो है, बड़ा पत्थर ये वाला गिर गया है, तो उधर से भी जेसीबी क्लियर कर रही है और इधर से भी कर रही है। तो यार इसमें तो डेफिनेटली बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि छोटा पत्थर नहीं है, पूरा माउंटेन वाला बड़ा सा पत्थर गिर गया है, तो उसको आधा पौना घंटा मुझे लगता है लगेगा कम से कम। एंड दीज आर द बाइक स्टैंडिंग ओवर हियर, चार्ली एंड 310 GS। सो मज़ा बहुत आ रहा है, रोड्स अच्छी थी अभी तक, आगे पता नहीं कैसी रोड्स होने वाली है, टेम्परेचर अच्छा है, ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है मुझे। और एक साइकिलिस्ट भी आगे और पूरी साइकिल लोड किया हुआ है, दिखाता हूँ आपको। ओ साइकिल पे है वो, और उसने पूरी साइकिल अपनी, ओ वाओ, ए मैन लुक एट दिस, this is his Instagram. So where are you coming from? I'm coming right now from Regumpeo. Okay. And I'm from Hungary and I'm cycling from Hungary. You're cycling from Hungary? Yeah. Oh my goodness, you're carrying more luggage than we are carrying on our bike. How are you? Yeah, how do you? 55 kilograms. Oh my goodness. Yeah. This cycle is Hungary cycle? No, it's from the Netherlands. Oh, Netherlands. Okay. So guys, look at this. और ये पूरी साइकिलिंग कर रही है, मुझे एक्चुअली कल भी दिखे थे। और भाई साहब, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू सिट हियर एंड पैडल इट। यस, दिस इज फिक्स, ओके एंड दिस इज द हैंडल। सो गाइज ये देखो, ये है अपना हैंडल बार, यहाँ पर गोप्रो लगा रखा है एंड इधर से पैरल करके चला रहा है। एंड दिस इज द फॉग लाइट। या फॉग लाइट। एंड हाउ मच डज दिस साइकिल कॉस्ट? 500 US। 600 US? या ओके, 40,000 और 42,000 रुपीस। दिस इज व्हाट वी कॉल पैशन। आई एम स्टिल, यू नो, कांट बिलीव यू आर राइडिंग साइकिल फ्रॉम हंगरी। I was scratching my head and so I just passed yesterday my 11,000 kilometers. Okay. Yeah. This is crazy. Safe journey. Bye bye. ये देखो, मिट्टी वाला पूरा पानी, और ये पूरा नीचे नदी में मिल रहा है, नाले में मिल रहा है। ये वाले जो होते हैं ना मिट्टी के पहाड़ होते हैं, ये वाले, ये मेरे को सबसे बुरे अगर लगते हैं ना तो यही लगते हैं, मिट्टी के पहाड़, क्योंकि ये मिट्टी बहुत उड़ाते हैं यार, खतरनाक। थोड़ी आराम से चलाया करो, एनएच गर्व है आपको पता लग रहा है पीछे। ओके इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे कर लो ना, गाड़ी को उठाने में दिक्कत आएगी। कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं। ऐसे ना एनएच पे एकदम से, अरे वो भी है ना, ध्यान इंडिकेटर नहीं चला होगा तो बस ही हो गया। हाँ कोई नहीं, बाइक आगे करना तभी उठेगी, सीधी करने में दिक्कत आएगी, थोड़ी आगे भी घुमा लो या तो।
ये तो चलो कुछ नहीं हुआ अभी, ये रोके ना। आई एम ओके ब्रो, आई एम ओके। चेन 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 चेन, हां वेयर विल यू फाइंड अप? आई डोंट नो ब्रो। बट बट पिक द बाइक अप। वेरी वेरी फिर और चेन भी उतर गई है इनकी बाइक की। चेन तो लग जाएगी, ढीली है ना, चेन लग जाएगी, बाइक उठानी पड़ेगी। साइड स्टैंड, साइड स्टैंड करो। माचा यू आर ओके ना? आई एम ओके ब्रो, नो प्रॉब्लम। आई हैव एवरीथिंग मैन। चेन का सी चेन कीप इट ओवर देयर, नो वरी। सो गाइस अभी बहुत बुरा इंसिडेंट हो गया और कार्तिकेयन का एक्सीडेंट हो गया, मतलब इट्स फाइन, सब कुछ ठीक है। एक ट्रक वाला चल रहा था, कार वाला चल रहा था एंड सडनली कार्तिकेयन राइट हैंड साइड पे था और कार वाले ने टर्न मार दिया और कार्तिकेयन गिर गया। मेरा कैमरा ऑफ था नहीं तो बहुत बहुत बुरी तरह से वो क्रैश हुआ था। अब मैंने देखा, मेरी आंखों के सामने हुआ एंड कार्तिकेयन लकीली सब कुछ ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, आर्मर्स ने उसको बचा लिया। उसकी बाइक में क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ घिस गया जहाँ पर ये हैंड गार्ड लगे हुए हैं, तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। क्योंकि ना जब मैंने अपने बार्क बस्टर्स के हैंड गार्ड लगवाए ना, तो लोगों ने मुझे बोला कि भाई वो चेंज करवाएं, स्टॉक लगने चाहिए। तो स्टॉक में पता क्या होता है, ये खाली प्लास्टिक लगा दिया उन्होंने, जो रियल प्रोटेक्शन होती है ना वो ये होती है, ये देख रहे हो आयरन रॉड या मेटल रॉड की जो होती है, तो ये रियल प्रोटेक्शन होती है जो आपके हाथों को बचाती है। तो बस इसी के थ्रू कार्तिकेयन का हाथ भी बचा और उसकी बॉडी भी बची बाइक की और वो खुद भी बचा। तो बाइक ओवरऑल सब कुछ ठीक है, परफॉर्मिंग गुड। और थोड़ा सा कार्तिकेयन को बोला है रेस्ट कर ले, 15-20 मिनट बैठ, कुछ खाना वाना खा रहे हैं यहाँ पर, खाना खाएंगे। इसने अपना नाम नहीं बताया, नाम बताओ। छोटू। छोटू, छोटू नाम थोड़ी होता है। नहीं, क्या नाम है? छोटू ही है। नहीं है, छोटू नाम नहीं है इसका, मैंने इसका नाम पूछा, कह रहा है नाम नहीं है मेरा। एनीवेज बस अभी ओए एक मिनट आलू एक मिनट। सो गाइस बस अभी फटाफट खाना खा लेते हैं और इसके बाद जाएंगे नाको। लगभग अभी 3-3.5 घंटे लग जाएंगे हमें जाने में। तो बस अभी यही अपडेट है भाई साहब। कितना खतरनाक सा पुल है, सही लग रहा ना। अरे डॉगी तू कहाँ आ गया? ओह मैन, लाइफ सेव्ड। ये भैया जी ये आए अपना कुछ काम कराने, बड़े जोश में है। गाना गाना गाओ। हाय फकी होजो पावे फिलिस मीना फ्यूचर सकर रॉकस्टार। पर दूसरा दूसरा फकी यू मी कॉल अप बोल अप पुश जैसा वाकी ने मिशाचा। फकी यू मी कॉल अप बोल अप पुश जैसा वाकी ने मिताता। दूसरा भी सुना दो, दूसरा 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 नहीं आता दूसरा। चलो हेलो आ मिलाओ इसी बात पे। तो रोड तो यार अभी तक तो काफ़ी अच्छी है, मतलब अभी तक तो काफ़ी अच्छी थी। ये छोटे छोटे एक दो पैच आ जाते हैं बस, गंदे, कोई बात नहीं। और अभी बहुत टाइम लगेगा, 2-3 लोगों से पूछा रास्ते में, उन्होंने कहा नहीं अभी तो बहुत दूर है नाको, आपको 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। रोड अगर अच्छी हुई तो यार तो खींच जाएगी भाई, अगर रोड ऐसी हुई तो फिर थोड़ा दिक्कत है। तो गाइस देखो हमें क्या मिला रास्ते में, और कहीं नहीं मिली, मतलब इस एरिया में ही है, बताओ। ओह ब्लैक आइस ब्लैक आइस ब्लैक आइस, मतलब सिर्फ इसी एरिया में है, पूरे एरिया में कहीं पर भी अभी तक नहीं दिखी और आगे भी नहीं दिख रही। सो गाइस राइड करने में अभी बहुत मज़ा आ रहा है, ये खड़ी अपनी एडवेंचर। और ये देखो वेदर देखो कितना अच्छा है, और ये देखो नीचे, ये देखो अभी जो है हम डबलिंग में पहुंचने वाले हैं। यहाँ से खाली 5 किलोमीटर रह गया है और उसके बाद लगभग 30 किलोमीटर के आसपास नाको रह गया है। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो वहाँ पर पूरा स्नोफॉल
और ऐसा लग रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज है। आपको कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से? यहाँ से 40 किलोमीटर है। रोड कंडीशन कैसा है यहाँ से? मोड रोड ऐसा ही है। और मौसम का क्या लग रहा है? जैसे एकदम ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज स्नोफॉल या ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, क्या सीन है कुछ बताओ ना। ये मौसम तो बहुत सुहाना है। ये सुहाना है मतलब कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। मेरे को सिर्फ बारिश की टेंशन है, मेरे को स्नोफॉल जितनी तेज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बारिश पसंद नहीं है ऐसे माउंटेन में। जितना आप हाइट पे जाएंगे हाँ तो वहाँ जो है आपको स्नोफॉल जितने डाउन में रहेंगे तो बारिश हो बारिश। हाँ तो वो तो ठीक है, जितनी स्नोफॉल मिले हमें चल जाएगी। स्नोफॉल तो हाँ स्नोफॉल तो उससे बड़ा, हम कहाँ गर्मी में रहते हैं यहाँ स्नोफॉल ही तो देखने आते हैं, अब वो भी ना देखे तो। वाह कितना सुंदर लग रहा है, मतलब स्केरी टाइप है, ऐसा नहीं देखा मैंने आज तक। और ऑडियो से कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार थोड़ा। चढ़ जाने मन, ये तो बहुत बढ़िया यार। सामने का व्यू इतना शानदार आ रहा है। ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता है। What happened? GoPro? वाओ वो देखो कितना अच्छा लग रहा है। वो देखो ये तो बहुत ही ऊंची बर्फ की पहाड़ है। दिस इज़ क्रेजी यार, देख रहे हो स्नोफॉल हो रही है और मुझे ग्लासेस पहन के भी नहीं दिख रहा और वाइजर बंद करके तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं करके नॉर्मल चला रहा हूँ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और वहाँ भाई सब कुछ जल्दी नहीं हो रही फ़ोटो ले रहे हैं। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू क्लिक फ़ोटोज आई गेस, क्योंकि अभी हमें आगे ज़्यादा जाना है और कंडीशन पता नहीं ना माउंटेन एरिया। हाँ थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, अभी ग्लासेस आधे पहन लिए हैं। ये तो सब ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया भाई। ओ मैन देखो दिख जाए ना, मुझे दिख नहीं रहा, प्रॉब्लम ही है बस। मुझे एक बार दिख जाए ना आगे है कैसा कैसा नहीं है, रोड भी नहीं दिख रही मुझे तो वो बहुत मुश्किल हो रहा है। आई कांट सी एनीथिंग ब्रो, आई कांट सी एनीथिंग, मेरी आंखों में गई बर्फ। आई कांट सी एनीथिंग, ओ मैन। Now it's okay. Can't see anything. एक चीज भी नहीं दिख रही, बस फिर भी चल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि हाँ प्लेन है। ओ कांट सी एनीथिंग ब्रो, देखा कैसे कहाँ कहाँ जा रहा था मैं।
Macha, I can't see anything. I can't see anything. I can't see anything, Macha. Damn, Macha. Huh? You have to remove this. Otherwise, it will get fogged up. You say, I'm following blindly, you know. But I'm not. Macha, is it recording? I don't know. I can't see. Fog up. I can't see. No, I can't see, bro. इस ग्लासेस में तो और दिक्कत हो गई. माचा कम हो. लेट्स गो माचा, आई एम फॉलोइंग यू. मैंने बाइट ग्लासेस अपने टाइम पे निकाल लिए, नहीं तो पता नहीं क्या होता. इट्स वाइट ऑल ओवर. That's something crazy, bro. I don't want black eyes. भैया नाको कितने दूर है? कितनी देर लगेगी? आधा घंटा. बस आधा घंटा. रोड ऐसे ही है? रोड ऐसे थोड़ा सा कोई बात नहीं. वैसा तो नहीं है ना बहुत ज़्यादा वाला? नहीं, अभी तो कोई प्रॉब्लम. थैंक यू. Is it okay with you? High beam. Is it okay with you? Yeah. Okay. That's what I'm saying. Okay. I thought it will be difficult for you. No, put it, bro. Okay. Put it. Okay. So, Karthik Kane zabardasti karke mujhe high beam on karwaya. Theek hai. Mere liye bhi easy ho jayega na. Thoda sa. टायर को फॉलो करके चल रहा हूँ मैं, और क्या करूँ. दो बार तो स्लिप हो गया बुरी तरह से, लेकिन बच गया, संभाल ली बाइक. आहा,
यहाँ लिखा होगा ना, नाको आएगा पता है। ठीक है, अभी नाको नहीं है, ये है नाको पहुंच गया ना। ठीक है, नाको एरिया पहुंच गया। ठीक है, और थोड़ा सा जाना पड़ेगा। ठीक है, यही रोड जाना। ठीक है ठीक है। हाँ नहीं, फ्रेंड है वहाँ पर, बुकिंग तो नहीं है पर दोस्त है वहाँ पर, वो बुला रहा है, अगर वहाँ नहीं बात बनती तो आ जाऊँगा। वैसे क्या चार्जेज है रूम के? 500, 600, 400, 500, 200 चार्ली लुकिंग सेक्सी मैन। Slip. Again slip. भाई साहब मजा आ गया आज की राइड में तो। This is real adventure, bro. This is real adventure. और यही करना था। So guys, finally हम पहुंच चुके हैं आज नाको में, और this was one of the most adventurous ride, यार ऐसी राइड जिसमें मैं बाइक ही नहीं चला पा रहा था। मेरी आंखों में वो तो देख लिया होगा आपने यार वीडियोस में, और इस समय बहुत ठंडा है, -10 degrees के आसपास है। और सबसे पहले हमने ये देखो ये मंगाया, ये है थुपका एंड और कुछ खाने को था नहीं, और यहाँ पर है चाउमीन खाने के लिए, और गर्म पानी भी आ गया है। ठीक है, हाथ धोलो। हाँ वो हाथ धो लूंगा मैं, कोई बात नहीं, आप लोग देखो मैं धो लूंगा हाथ रख दूंगा। सो अभी हमारी चाउमीन भी आएगी, और बस आज यही है इस वीडियो में। कल यहाँ के हम नाको लेक को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे फ्रोजन लेक है वो, और उसके बाद कल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा काजा। हाँ हम यहाँ से नाको से कल काजा जाएंगे। तो आई थिंक आज का वीडियो काफी बड़ा हो गया है, और आई एम श्योर इंटरेस्टिंग भी बना होगा और आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ये करके बिना मत जाना। विद दैट सेड, मिलता हूं आपसे गाइस बहुत जल्दी अगले व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ फ्रॉम नागो।